थार का मरुस्थल, ये दुनिया का 17वां सबसे गर्म मरुस्थल है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मरुस्थल भी बंट गया। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब को मिला इस मरुस्थल का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन भारत को इसका एक बड़ा हिस्सा मिला था, और उसमें भी 90% हिस्सा मिला राजस्थान को। एक वक्त था जब यहाँ पर पानी खोजना भूसे में सुई खोजने जैसा था, और गर्मी इतनी भयानक होती थी कि यहाँ से कोई भूलकर भी नहीं गुजरना चाहता था। यहाँ के लोगों ने गर्मी के हर सितम को सहते हुए सैकड़ों साल बिता दिए थे, लेकिन छप्पनिया अकाल ने जो तबाही मचाई उसके बाद लोगों को पानी की समस्या के स्थायी समाधान का इंतजार था। साल 1899 में पड़े सदी के सबसे भयानक छप्पनिया अकाल ने रियासतों के राजाओं को भी पानी की समस्या पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी के समाधान पर दिन रात विचार कर रहे थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने कई लोगों से मशविरा किया और फिर नहर बनवाने की ठानी। जिस साल छप्पनिया अकाल पड़ा था ठीक उसी साल में यानी कि सन 1899 में हिसार के टोहाना में कंवर सेन का जन्म हुआ था। कंवर सेन गुप्ता, ये वो नाम है जो राजस्थान के कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अगर कंवर सेन ना होते तो ना तो इंदिरा गांधी नहर होते, और शायद आप और हम भी पानी तलाशने के लिए आज उतनी ही मशक्कत कर रहे होते जितनी की हमारे पुरखों ने की थी। वो कहते हैं ना कि कुदरत अपने साथ किसी को भी आसानी से खिलवाड़ नहीं करने देती, तो फिर मरुस्थल कैसे करने देता। 50 डिग्री से भी ऊपर का पारा, नित नई आंधी और तूफान, ना मशीन, ना टेक्निक और ना ही इंजीनियर्स। इंजीनियर्स तो इस तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन कठिन हालातों में भी कंवर सेन ने महाराजा गंगा सिंह का राजस्थान में नहर लाने का सपना साकार करके दिखाया। इस नहर के निर्माण में लाखों चुनौतियां आईं, हजारों कठिनाइयां आईं और कई जाने भी गई। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण में किसने किया खून पसीना एक, और कैसे मरुस्थल के सीने को चीर कर एक 649 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ, इसकी सच्ची कहानी मैं आपको सुनाऊंगी दोस्तों। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरा देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर से लाइक कर लें। राजस्थान की सबसे चर्चित रियासतों में से एक थी बीकानेर रियासत, जहां महाराजा गंगा सिंह ने साल 1888 में गद्दी संभाली थी। वे खुले विचारों वाले और दूरदर्शी थे। साल 1899 में पड़े छप्पनिया अकाल में तड़पती जनता की आहें उन्होंने खुद सुनी थी, इसलिए वे ये चाहते थे कि पंजाब की सतलुज नदी का पानी लाकर नहर के जरिए जैसलमेर तक पहुंचाया जा सके, ताकि इस पूरे इलाके की पानी की समस्या खत्म हो जाए। इसके लिए उन्होंने गंग नहर बनवाई। गंग नहर ने बीकानेर की सूखी पड़ी जमीन पर पानी तो लाया, लेकिन लोग नहीं। तो लोगों को बसाने के लिए उन्होंने मुफ्त में घर बनाने और खेती करने के लिए जमीनें दी। गंग नहर ने मानो बीकानेर की फिजा ही बदल कर रख दी थी। इस क्रांतिकारी प्रयास के कारण उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा गया। लेकिन पानी की कमी सिर्फ बीकानेर में ही नहीं थी, बल्कि चूरू, नागौर और जैसलमेर समेत राजस्थान के कई जगहों को थी। महाराजा गंगा सिंह ने जैसलमेर तक इस नहर को ले जाने की कोशिश की, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका ये सपना पूरा ना हो सका। लेकिन राजस्थान के भाग्य में तब तक शायद नहर का निर्माण लिखा जा चुका था, इसीलिए तो महाराजा गंगा सिंह के दरबार में नए चीफ इंजीनियर बने कंवर सेन गुप्ता। कंवर सेन ने उस जमाने में थॉमसन कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, जिसे आज IIT रुड़की भी कहा जाता है। वो यंग थे, डायनेमिक थे, और उनके विचार महाराजा गंगा सिंह के विचारों से काफी मेल खाते थे। गंगा सिंह के कहने पर ही कंवर सेन ने पंजाब से लेकर राजस्थान तक एक नहर का ड्राफ्ट तैयार किया, जो इंदिरा गांधी नहर के लिए तैयार किया गया पहला ड्राफ्ट था। लेकिन साल 1943 में कैंसर के कारण महाराजा गंगा सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद बीकानेर की गद्दी मिली उनके बेटे सादुल सिंह को। लेकिन साल 1947 में देश के आजाद होने के साथ ही राजशाही खत्म हो गई और देश में पहली बार सरकार बनी। अब ना राजा रहे और ना ही रजवाड़े, लेकिन कंवर सेन ने महाराजा गंगा सिंह के सपने को धूमिल नहीं होने दिया।
उन्होंने आज़ादी के ठीक एक साल बाद यानी कि साल 1948 में नहर के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया, पर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला क्योंकि कई साल लग गए केंद्र सरकार को ये समझते हुए कि राजस्थान को अब हर हाल में एक नहर चाहिए ही चाहिए। और आखिरकार 31 मार्च 1958 को नहर के निर्माण का श्री गणेश किया गया उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। उस समय लोगों को ये काम बिल्कुल असंभव लग रहा था क्योंकि जिद्दी रेगिस्तान की छाती चीरकर एक लंबी नहर निकालना अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। लेकिन कंवर सिंह तो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे, जब ठाना उन्होंने था तो नहर बनाने की जिम्मेवारी भी उन्हें ही दी गई। इस नहर परियोजना को नाम दिया गया राजस्थान नहर परियोजना और ये तय किया गया कि पानी पंजाब देगा। पंजाब भी एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते राजस्थान को पानी देने के लिए तैयार हो गया। पंजाब के फिरोजपुर में हरी के नाम की एक जगह पर सतलुज और व्यास नदी का संगम होता था और यहीं पर हरी के बैराज बनाया गया। इस बैराज से नहर निकालकर राजस्थान लाई जानी थी, लेकिन ये ही तो असली समस्या थी। अब पंजाब पानी देने के लिए तैयार था और राजस्थान पानी लेने के लिए तैयार था, पर थार का ये मरुस्थल ही नहर के निर्माण के लिए तैयार नहीं था। तभी तो एक से बढ़कर एक समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई। गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी पड़ी, सर्दी के मौसम में भयानक ठंड, धूल भरी आंधियां, रेत के बवंडर, मौसम इतना खराब कि कोई इंजीनियर यहां पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उस वक्त ना ही आधुनिक मशीनें थी, लेकिन राजस्थान के वातावरण से निपटने के लिए कंवर सिंह और उनकी टीम तैयार थी। वो जानते थे कि इन हालातों में रेगिस्तान का जहाज ही काम आ सकता है, इसलिए ऊँटों को मिट्टी खोदने के काम में लगाया गया। सबसे मेहनती जानवर कहे जाने वाले गधों ने ऊँटों का साथ दिया। सैकड़ों मजदूरों, हजारों जानवरों और इंजीनियर्स ने बिना थके कई कई घंटों तक काम किया, लेकिन भयानक गर्मी और धूल भरी आंधियों ने हालात इतने बदतर कर दिए थे कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मौसम की मार, गर्मी और आंधी तूफान से तंग आकर इंजीनियर्स काम छोड़कर बीच में ही चले जाने लगे थे। दोस्तों, इस नहर के निर्माण के लिए इंजीनियर्स ढूंढना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए परियोजना के चीफ इंजीनियर अलग अलग पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर इंजीनियर्स को योजना में काम करने के लिए आमंत्रित किया करते थे। कंवर सिंह और उनकी टीम ने यह तय किया था कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, इसीलिए युद्ध स्तर पर ऊँटों और गधों को काम में लगाया गया, मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई और काम की स्पीड को दोगुना कर दिया गया। कहा जाता है कि ऊँटों और गधों ने मिलकर इतनी मिट्टी की खुदाई की और ढुलाई की कि उससे पूरी धरती के चारों तरफ 4 फुट मोटी और 20 फुट चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी। ये जानवर अगर नहीं होते तो नहर पनपाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। कठिन मौसम में मिट्टी की ढुलाई करते करते न जाने कितने ही ऊँटों और गधों ने दम तोड़ दिया। कई मजदूरों और इंजीनियर्स ने भी जान गंवा दी, लेकिन काम को रोका नहीं गया। आखिरकार 4 साल की अथक मेहनत के बाद राजस्थान नहर में पहली बार पानी आया। दोस्तों, ये नहर के निर्माण का प्रथम चरण का काम पूरा हुआ था, जिसमें पंजाब के हरी के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक पहला हिस्सा बनाया गया और इसे नाम दिया गया राजस्थान फीडर। यहाँ एक बात समझने लायक है कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर की है, तो सोचिए कि ये नहर कितनी लंबी होगी। अब एक ही बार में इतनी बड़ी नहर बनाया जाना संभव नहीं था, इसलिए पहले राजस्थान फीडर बनाकर पानी लाया गया और फिर आगे जैसलमेर तक पानी पहुंचाने के लिए मुख्य नहर बनाई गई। इसलिए इस नहर परियोजना में 2 नहरें शामिल हैं। पहली राजस्थान फीडर जो कि 204 किलोमीटर लंबी है और दूसरी 445 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर। नहर के राजस्थान में एंट्री हो सके इसके लिए 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर बनाई गई, जिसका 170 किलोमीटर का हिस्सा तो पंजाब और हरियाणा में ही था। इसका सिर्फ 34 किलोमीटर हिस्सा ही राजस्थान में आया था, लेकिन राजस्थान के लोगों को निराशा ना हो इसके लिए पहले ही चरण में मुख्य नहर का भी 189 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार कर दिया गया था। 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राजस्थान नहर का उद्घाटन किया और इस नहर में पानी आया। नहर के पानी ने मरुभूमि की सूखी जमीन को ही नहीं बल्कि इंसानों के चेहरे पर भी हरियाली की मुस्कान ला दी थी। अब लोगों को पीने और सिंचाई करने का पानी मिलने लगा। नहर के आते ही आसपास के इलाकों की रंगत बदलने लगी।
सालों काम करने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों के चेहरे पर भी संतोष था, तो वहीं जनता के चेहरे पर पानी आने की खुशी। अपनी टीम के साथ मिलकर कंवर सेन ने असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिखाया था। वैसे तो इस नहर के निर्माण में कई घोटालों के भी आरोप लगे थे, लेकिन पानी आने की खुशी और नहर के फायदों के सामने उन्हें भुला दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाकर हजारों मजदूरों, ऊंटों और गधों और साथ ही कंवर सेन की टीम ने राजस्थान के भाग्य को बदल कर रख दिया था। कंवर सेन को मरुस्थल का भागीरथ कहा गया और उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। अब राजस्थान नहर की एंट्री इस मरु प्रदेश में हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम था पानी पहुंचाने का और मुख्य नहर के निर्माण का। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तक के पूरे इस पिक्चर में कहीं भी इंदिरा गांधी का जिक्र भी नहीं हुआ। मेहनत तो कंवर सेन, इंजीनियर्स, मजदूरों और ऊँटों ने की थी, तो नहर का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर क्यों रखा गया? और दूसरा सवाल ये कि अभी तक तो नहर हनुमानगढ़ ही पहुंची थी, जैसलमेर तक इसने अपना सफर कैसे तय किया? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस नहर के निर्माण की अगली कहानी में। इसके पार्ट टू के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप याद से हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कहां से देख रहे हैं हमें ये भी बताएं, और साथ ही राजस्थान की गंगा कही जाने वाली इस नहर के निर्माण की असली इस कहानी को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।